इतना कह रोती है घर में, इतना ज़्यादा एक तो कष्ट क्लेश है ही, ऐसे मत करो, इसी पे थोड़ा बहुत हो जाता और बाद में कोई भी बात नहीं। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मन्नू जी कभी कुछ बात कह देते हैं जिसको लेकर आरती गुस्से का इजहार करती है। कोई बात नहीं कहते इससे, मतलब वही गुस्सा सब रोने तोने लगते हैं तो इसमें बोलते हैं मत रोया करो, माँ बात से समझा रहे समझो, इतना रोके तो कुछ मिलने वाला है नहीं, शरीर तुम्हारा कितना नुकसान होता है। बात सही है कि इतना ज़्यादा शरीर में दिक्कत पहुंच जाती है कि दो रोज के बाद दवा अभी इसमें लगा है आरती जी में, पूरा दुनिया में किसी को इतना दवा नहीं। क्या बोल रहे हैं आप ये बात? हाँ सही नहीं लगा होगा, बात सही बोल रहे। अभी भी चार, कल भी हम पटना से आए, आज सुबह में पटना से आए, परसों पटना वही इलाज करवाने गए थे पापा जी का। सबका घर में, मम्मी का भी वही हाल, पापा का भी, मेरा, सिर्फ एक घर में थोड़ा बहुत सही रहते हैं तो ये नहीं तो सबका दवाई चलते। इधर एक महीना हुआ है 13,500 का टेबलेट लेकर आया है। आपने कहा कि दुनिया में कोई इतना दवा नहीं खाया होगा, ये क्या मतलब, ये क्या कह रहे हैं आप? तो हमको तो अटपटा सा सुन कर बात सही बोल रहे हैं, मतलब ऐसा किसी रोज नहीं होगा कि जिस रोज मेरी दवाई नहीं, दो रोज अच्छे रहते फिर तीसरा रोज पानी का बोतल चल। क्यों इतना मायूस रहती हैं, क्यों रोती रहती हैं? मन्नू तो सही ने कहा था कि आप रोया मत कीजिए, खुश रहा कीजिए, अपनी जिंदगी में अपने काम को लेकर आगे बढ़िए आप। बात तो सही है लेकिन क्या करेंगे, अंदर का पीड़ा तो जो पीड़ा हुआ है वो कभी जख्म है वो हट नहीं रहा, नहीं हट रहा है। देखिए भले गलती तो कर दिए हैं लेकिन एक बेटी है, इनको तो याद तो ही करेगा, इंसाफ के साथ मतलब सच्चाई के साथ तो खड़ी है बट याद तो थोड़ा, जो माँ का प्यार है वो भूल नहीं पा रहे, वो तो ही है। कभी बातचीत वगैरह भी जी नहीं, कुछ नहीं, हम सीधे सी बात बोले तो गलती करके वो सब पश्चाताप भी नहीं किए, अभी तक इतना घमंड है तो सब बात क्या करेंगे, जब वो सब इतना गलती कर सकते इतना पश्चाताप भी नहीं कर पाते हैं तो हम गलती वो लोग किए हैं, वो लोग को झुकना चाहिए, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि आरती झुकेगी, ये कहाँ की बात है, झुकने की क्या बात है, इसमें झुकेंगे क्यों हम, क्योंकि मेरी गलती इसमें थोड़े भाई, आपके घर हमारे हम खुद देखे, ऐसे तो लोग बोलते हैं कि आरती जी फंसा दी है, अपने बाप भाई को जेल भेजवा दी है, सजा दिला दी है, लोग के साथ नहीं ना हुआ, एक मतलब बोल रहे हैं कि लोग ऐसे बोलते हैं, घर में होता है वो जानते हैं लोग, क्या कह रहे हैं आप, बोलते हैं कि अभी मेरे घर में हुआ है तो हम लोग जानते हैं कि किस तरह हुआ है, दूसरे के घर में नहीं हुआ है तो वो तो बोलवेन करेंगे कुछ ना कुछ। जज साहब कोई भी चीज़ रहे हम किसी को बोल देंगे कि ये मेरे साथ गलत किया है, इसको फांसी का सजा होना चाहिए, जज तो ऐसे नहीं दे देंगे। बहुत सारे ऐसे केस है कि जांच पड़ताल करने के बाद में बहुत सारे ऐसे केस है सबूत नहीं मिलने के कारण कुछ भी नहीं हो पाता है, केस रफा दफा तुरंत हो जाती, लेकिन इसमें 6 महीने तक तो हमारे प्रखंड के जितने प्रशासन थे वो जांच किए, फिर जो पुलिस सब चीज़ वकील साहब जज साहब जितना सबूत मिला, डॉक्टर साहब का पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस की गवाही, हम लोग की गवाही, टोटल 2 साल तक लगातार बात चलती रही लगातार, तो सबूत मिला तो जज साहब सजा सुनाई।